बजट से मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था। निर्मला सीतारमण के बजट पर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र का बयान, कहा किसानों युवाओं महिलाओं और गरीबों को समर्पित जन आकांक्षाओं का बजट। रुद्रपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, कहा किसानों पर विशेष फोकस काबिले तारीफ। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, अंबेडकर नगर पार्क में कांग्रेस ने की जनसभा, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। चारधाम यात्रा 2020 की तैयारियों को लेकर बैठक, गढ़वाल कमिश्नर ने ली अधिकारियों की बैठक, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बैठक में की चर्चा। मैदानों से लेकर पहाड़ तक छाया कोहरा, पिथौरागढ़ देवाल और थराली में फिर हुई बर्फबारी, अगले 24 घंटे में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के दूसरे बजट को पेश किया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही मोदी सरकार के इस बजट में क्या खास है और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला, हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत, अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी, अप्रैल 2020 तक जीएसटी का आसान वर्जन आएगा, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, पिछले 4 साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा, 5 साल में औसत महंगाई दर 4.5% रही, 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही, साल 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होगा, 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, 5 साल में एफडीआई निवेश $28,400 करोड़ आया, सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी का 48.7% हुआ, पीएम फसल बीमा योजना से 6.22 करोड़ किसानों को लाभ, 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाएंगे, 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा, मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को लागू करवाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर इंसेंटिव तरीके को बदलेंगे, पीपीपी मॉडल के तहत किसान रेल बनेगी, सौर ऊर्जा के लिए 15 लाख उपकरण लगाने के लिए सुविधा, रसायन मुक्त खेती के लिए भी प्रावधान, अब विमान से जाएगा किसानों का सामान, दूध मांस मछली वाली योजनाओं के लिए चलेगी रेल, महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना का ऐलान, फसल उत्पादन के लिए समुचित संख्या में वेयर हाउस बनाएंगे, किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य, नाबार्ड रिफाइनेंसिंग स्कीम का दायरा बढ़ाएंगे, तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता दोगुनी करेंगे, मत्स्य पालन विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय होगा, कृषि सिंचाई के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित, इंटरनेशनल नेशनल रूट पर कृषि उड़ान योजना होगी शुरू, पीपीपी मॉडल पर बनेंगे नए अस्पताल, आयुष्मान योजना के तहत बनाए जाएंगे नए अस्पताल, हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित, जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित, एक जिले एक प्रोडक्ट पर फोकस, फिट इंडिया को मूवमेंट के लिए बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य योजनाओं को 70,000 करोड़, 2025 तक टीबी को खत्म करेंगे, जल्द लाई जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सेक्टर के लिए एफडीआई लाया जाएगा, जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान, गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम का प्रावधान, स्टडी इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, एजुकेशन सेंटर के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित, स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाए जाएंगे,
पीपीपी मॉडल के तहत 5 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे। छोटे एक्सपोर्ट्स के लिए NIRVI की स्कीम लाएंगे। इंडस्ट्री कॉमर्स के विस्तार के लिए 27,300 करोड़। 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई होंगे शुरू। रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तेजस जैसी ट्रेनों को पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा। 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का होगा विद्युतीकरण। देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म। पावर एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ रुपए का ऐलान। नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का ऐलान। 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे। देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। भारत नेट के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित। भारत नेट से 1,00,000 ग्राम पंचायत जुड़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। स्कूल में लड़कियों का दाखिला लड़कों से ज्यादा। स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी। आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा। 6,00,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए। 35,600 करोड़ रुपए पोषाहार योजना के लिए आवंटित। महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28,600 करोड़ आवंटित। सीनियर सिटीजन के लिए 9,500 करोड़ रुपए आवंटित। SC पिछड़े वर्ग के लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित। रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए। 5 पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी का प्रावधान। 5 ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटर का विकास होगा। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए का बजट। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के और आतिशबाजियों और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट है संतुलित बजट। केंद्र सरकार द्वारा सड़क, बिजली और किसानों पर विशेष फोकस किया गया है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में 60 सीटों के साथ काबिज होगी। आज मैं भागपुर केला केला गदरपुर होते हुए रुद्रपुर पहुंचा हूं। मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा अभूतपूर्व स्वागत लोगों ने किया है, मतलब जिसकी मुझे कल्पना नहीं। जो प्यार दिया, जो उत्साह था, मुझे लगता है कि 2022 हम 57 से 60 होंगे। भारत सरकार ने बजट पास कर दिया, बहुत संतुलित बजट है, किसानों के लिए बहुत अच्छी दिशा है, और 100,00,000 करोड़ सड़क और बिजली पानी के लिए देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो उसे भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया चला रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई एक उदाहरण दे देंगे तो सरकार इस्तीफा दे देगी। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून के नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहां देहरादून जिले के 62वें जिलाधिकारी भी बन गए। मुख्य कोषागार में चार्ज लेने के बाद वह अपने कार्यालय में मीडिया से भी मुखातिब हुए और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अधिकारियों को खुद को लोक सेवक के रूप में देखना चाहिए, इसी के अनुरूप जनता के कार्यों के प्रति तत्पर रहना चाहिए। ऋषिकेश के नगर निगम सभागार में चारधाम की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, आरजी गढ़वाल, अजय रोहतेला, जिलाधिकारी उत्तरकाशी मंगलेश घिड़ियाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। वहीं गढ़वाल कमीशन ने अधिकारियों को सड़क स्वास्थ्य बिजली पानी पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि 2020 में होने जा रही चार धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुखद बनाया जाए। चारधाम के व्यवस्था के दौरान हमेशा जो वहाँ पे जिस तरह की जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है उसके कारण वहाँ पर हमेशा जो एडिशनल मजिस्ट्रेट्स हैं, एडिशनल जो स्टाफ है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे और डिपार्टमेंट्स हो, पीआरडी के जवान हो, हमारे होमगार्ड्स हो, तो इनको हमेशा वहाँ पर तैनात किया जाता है। तो इसके लिए जो संबंधित डिपार्टमेंट्स उनकी जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आज मीटिंग में बता दिया गया है, क्योंकि अभी इसको प्लान करना होगा। कुछ चीज़ें जो मंडल के स्तर पर होंगी उसको मेरे स्तर से हम लोग देख लेंगे, उसको कोई और जिलों से रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको देख लिया जाएगा, अन्यथा अगर शासन से हमें और एडिशनल मैन पावर की डिमांड की आवश्यकता होगी तो उसको शासन पे हम लोग उसको टेकअप करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस अब राज्य सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन रुद्रपुर के अंबेडकर नगर पार्क में किया गया। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर इस जनसभा का आयोजन रुद्रपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मंत्री तिलक राज बहेड़ सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार चारों खाने चित हो गई है। प्रदेश में विकास कार्य ठप हो चुके हैं, युवा पीढ़ी बेरोजगार बैठी है और दो जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली सरकार में जमकर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, शपथ के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। जब हम सदन और सड़क में लोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रदेश की सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग बनाएंगे, कभी कहती है कि हम ऐसी सरकार चलाएंगे जो भ्रष्टाचार रहित होगी, लेकिन हालात आपके सामने है, पूरी की पूरी सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत के खटीमा दौरे को लेकर क्षेत्रीय विधायक और बीजेपी के पदाधिकारियों ने बैठक की। बता दें कि खटीमा विधानसभा में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारियों का स्वागत कर प्रदेश अध्यक्ष आगमन की तैयारी के निर्देश दिए और कहा कि कल नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का प्रथम आगमन पर जोरदार तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है और 2022 में भाजपा को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी के नए पदाधिकारियों को फूलमालाओं से स्वागत कर उनमें जोश भरने का काम नए नगर अध्यक्ष सतीश गोयल ने किया है। अभी नवनिर्वाचित हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कल स्वागत समारोह पारिन बैंकेट हॉल में रखा गया है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। नव निर्वाचित जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसको लेकर के तैयारियां जो चल रही हैं और अभी आज हमारी नव कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बड़ा जोश है, हमारे अध्यक्ष जी कल आने वाले हैं और उनके बनने के बाद पहली बार वो खटीमा आ रहे हैं। वैसे तो खटीमा वो पहले भी बहुत बार आए हैं, अनेकों बार उनका आना हुआ है, लेकिन इस बार प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के नाते पहली बार खटीमा आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और हम सब लोग बड़े जोर और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करेंगे। विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी में निर्माण कार्य में रोक लगाने से गुस्साए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर जिलास्तरीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया और शीघ्र रोक नहीं हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूर्व प्रधान मनोज सहनी ने बताया कि 2 दशक पूर्व में चौकोड़ी ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, तब से लगातार यहां पर पंचायत स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से पूर्व स्थानीय अधिकारियों ने बिना किसी लिखित आदेश के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जिससे कि गांव विकास ठप हो गया है। यदि शीघ्र निर्माण कार्य कराने के आदेश नहीं दिए गए तो उग्र आंदोलन की चेतावनी देख है। ग्राम पंचायत चौकोड़ी का गठन 2001 में गठन हो गया था, तब से हमारे वहाँ ग्राम पंचायत में विकास कार्य चल रहे थे। अचानक बीच में बीडीओ साहब के द्वारा ग्राम पंचायत के कामों पर रोक लगा दी गई है, तब हम आज ग्राम पंचायत के कार्यों पर जो रोक लगी है, रोक हटने के लिए सीडीओ मैडम से भी मिले, डीपीओआरओ साहब से भी मिले और यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। अगर तुरंत ये रोक नहीं हटाई गई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोहर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीवान खटीमा में बैंक कर्मचारी दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। खटीमा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में बैंक कर्मचारियों ने शहर में एक रैली निकाल कर नारेबाजी की। खुले बैंकों पर जाकर बैंकों को बंद कराया और अपनी पास सूत्री मांगों को लेकर खटीमा के मुख्य चौक पर नारेबाजी की। अभी तक हम लोग का वेतन वृद्धि नहीं हुआ है और 42 राउंड टॉक होने के बाद भी IBA ने कोई रिजल्ट नहीं सुनाया और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी निगेटिव रवैया रहा है बैंकर्स के खिलाफ। इसीलिए हम लोग आज राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो कि मैं आपको बता ही दिया हूँ पहले, और अगर IBA हमारी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो फिर से 11, 12 और 13 अप्रैल को हमारा मार्च में हमारा फिर से है हमारी 5 दिवसीय बैंकिंग जो कि 5 डेज अ वीक RBI में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है और सभी बड़े डिपार्टमेंट्स में है, बैंकिंग में नहीं है, उससे रिलेटेड हो गई। पेंशन जो NPS नई स्कीम हमारी लॉन्च की गई है उसको हटाने से रिलेटेड, हमारी जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी फैमिली पेंशन से रिलेटेड और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे संविदा पर बंदे हैं, आउटसोर्सिंग के बंदे हैं, उनका इक्वल पे इक्वल वर्क वाली पे के हिसाब से है, ऐसी बहुत सारी हमारी मांगे हैं। देहरादून के नारे निकेतन में राज्य मंत्री रेखार ने नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। दौरान मंत्री ने नारे निकेतन में रह रही संवासनियों से भी मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मंत्री रेखार ने कहा कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से भवनों का निर्माण किया गया है। इन भवनों में संवासनियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारी संवासनी हैं उनको रहने के लिए जो है वो जो अभी जो वर्तमान में जो रूम था वो काफ़ी कंजेस्टेड था, तो एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि उनके लिए एक अलग सा तल बनाया जाए ताकि जो है ये खुले तौर पर उसमें रह सके और संक्रमण भी ना फैले यदि कभी वायरल जैसी कोई समस्या पैदा होती है। तो उसी की व्यवस्था के तहत जो है आज एक उनकी लिए एक अलग सा कक्ष बना है, साथ साथ में JJ बोर्ड भी इसी परिसर में है, उनके लिए भी एक अलग सा कक्ष बना है। इसके अलावा रिसेप्शन बना है, शौचालय बना है, तो ये सारी चीज़ें जो आगंतुक हैं उनके लिए भी सुविधा हो सके, JJ बोर्ड को भी काम करने में सुविधा हो सके। पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए होने के कारण ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं मुनस्यारी में बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी में बर्फबारी में हाई स्कूल इंटर के प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और बर्फबारी के बीच परीक्षा होने से छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। वहीं बर्फबारी के कारण पूरे जिले में शीतलहर चल रही है जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो गया है। फरवरी को फिर से मुनस्यारी में ये भारी हिमपात हो रहा है। आज से सारे विद्यालय खुल चुके हैं और 2 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं हैं। ऐसे मौसम में, ऐसे बर्फबारी में जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको बोर्ड की परीक्षाओं का डर आज से सताना शुरू कर दिया है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रहा है और बिजली की व्यवस्था में लगातार व्यवधान है और मुनस्यारी में लगातार ठंड है और इसलिए जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला न्यायालय के अंग्रेजों द्वारा 1930 में बने ऐतिहासिक भवन में आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली के मीटर्स में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से जिला न्यायालय परिसर में धुआं छा गया। मीटर में आग से न्यायालय परिसर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई, साथ ही CCTV कैमरों की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। आग लगने की घटना से न्यायालय में कार्य कुछ देर के लिए बाधित हो गया। न्यायालय कर्मियों ने सक्रियता से कार्य करते हुए फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही न्यायालय परिसर में मौजूद अग्निशमन हेतु पहले से रखे गए फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडरों की मदद से आग पर जल्दी काबू पा लिया।
आग लग गई। गदरपुर के सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एनएसएस के तत्वाधान में 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते कॉलेज के छात्रों द्वारा क्षेत्र के हर गांव में जाकर स्वच्छता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। स्वच्छता के प्रति और बिना साफ सफाई के ग्रामीणों को किस किस तरह का नुकसान हो सकता है उसकी भी जानकारी ग्रामीणों को दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने ग्राम को साफ सुथरा रखने का प्रयत्न किया, तो वहीं छात्र ने कहा कि एनएसएस कैंप के माध्यम से हम हर गाँव में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि पॉलिथीन का प्रयोग ना करें और साफ सफाई का ध्यान। आज हम लोग एनएसएस कैंप का जो एक छोटा सा जो प्रचार कर रहे हैं, इससे हम लोग गांव-गांव में बताना चाहते हैं कि पॉलीथीन का यूज़ कम करें और साफ सफाई का थोड़ा ध्यान दें, गांव में थोड़ी साफ सफाई रखें। जैसे हम लोग बहुत सी जगहों पर जाते हैं, दिखाई कूड़ा ऐसी फेंक देते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई ऐसी करता है। तो हम लोग हर गांव में जाके ये चीज़ बता रहे हैं कि घर घर में डस्टबिन यूज़ कर लें, चाहे छोटी छोटी मतलब रोडों में कहीं साइड में एक गीला और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का यूज़ कर लें। सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से हैं, हम सब वॉलेंटियर्स हैं एनएसएस के। हमारे कल से हमारा एनएसएस दिवस शुरू हो चुका है, हम लोग 7 दिन का यहाँ पे कैंप करना है। हम लोग अलग अलग गाँव में जाके जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं और आज का हमारा मोटो है कि हम लोग यहाँ पे आए ताकि सब लोगों को पता चले कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। हमने यहाँ आकर के सबको कपड़े के बैग बांटे हैं और उनको जागरूक करा। ऋषिकेश के एम्स में चीन से लौटी एमबीबीएस की छात्रा को कोरोना के सिम्टम्स मिलने से चलते भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की माने तो छात्रा में कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका है। वहीं देहरादून सीएमओ का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि ये केस कोरोना का है या नहीं। वहीं मामले को लेकर देहरादून के सीएमओ मीनाक्षी जोशी का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के लोगों से अपील है कि वो सर्दी जुकाम वाले लोगों से दूर रहें और विशेष तौर पर साफ सफाई का ख्याल रखें। जो भी लोग चाइना में हाल फिलहाल में सफ़र करके लौटे हैं, देखिए ये एक ऐसा वायरस है जिसमें सिम्टम्स आने के पहले भी संक्रमण फैल जाता है। तो जो लोग चाइना से लौटे उस समय उन्हें सर्दी बुखार नहीं था, अब घर पहुँचे एक हफ्ते बाद उन्हें अगर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो उन्हें पास की मेडिकल यूनिट को कॉन्टैक्ट करना है और उसके बाद उनकी स्थिति की जाँच करके आगे कार्रवाई की। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आदेश के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के अपने केंद्र में उपस्थित न होने से नाराज जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल ने दोनों की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्र जाखाल का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद पाया गया, जबकि पूर्व में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्र को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर सीडीओ पीओ को भी अपने अधीन केंद्रों के संचालित होने की सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को देने को कहा गया है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बात करें तो कुछ जनपद ऐसे हैं जिनमें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, इनमें अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां केंद्र खोल रही हैं। अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कल शाम 5 बजे तक वो कार्य पर वापस नहीं आती तो जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का केंद्र 1 फरवरी को बंद रहेगा उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी और हम लोग विज्ञप्ति जारी कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अन्य जनपदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कार्य कर रही हैं और रुद्रप्रयाग में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां कार्य नहीं कर रही। देहरादून में आए दिन होने वाले सड़क हादसों और चोरियों से निपटने के लिए पुलिस कई बार सीसीटीवी की मदद लेती है। सबसे पहले किसी भी हादसे की जानकारी लेने के लिए सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लेकिन देहरादून में सीसीटीवी की बहुत कमी है। न ज्यादा सीसीटीवी पुलिस के पास है और न ही आम लोग ज्यादा जागरूक है। लेकिन अब देहरादून एसएसपी अरुण मोहन जोशी भी सख्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को क्लास लगाते हुए खराब हुए सभी सीसीटीवी को जल्द से जल्द सही कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देहरादून पुलिस को भी जागरूक करके सीसीटीवी लगाने और उससे फायदे होने की बात बताई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।